Realme 3 Pro में ऑफिशियल फॉन्ट्स का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत जल्द किसी भी एक अपडेट में, और ये माधव सेठ जी ने खुद जो है कंफर्म किया है। थीम ऐप में आपको देखने के लिए मिलेगा फॉन्ट्स। अगर आपको ये बैक कवर पसंद आ रही है, लेना चाहते हो Realme 3 Pro के लिए, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो ऑफिशियल फॉन्ट्स का सपोर्ट तो आने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर आप जो है एक्सपीरियंस करना चाहते हो, अपने डिवाइस का फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है, लेकिन उस वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है आखिर के या लास्ट के दो अपडेट के बाद, तो उसे कैसे सॉल्व करना है उस वीडियो में बताएंगे। अगर नए हैं, फॉन्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता है, वीडियो को पूरा देखें। हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ से आपको जो फॉन्ट की जो फाइल है, जो जिप फाइल है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। पहली बार आया है हमारे चैनल में, सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो जैसा कि मैंने कहा, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो फॉन्ट वाली जो फाइल है, जिप फाइल है, उसे डाउनलोड कर लो। फिर डाउनलोड फोल्डर में जाओ, ऑब्वियसली फाइल मैनेजर में डाउनलोड फोल्डर में फॉन्ट्स 30 जिप ये वाली फाइल आपको मिल जाएगी। इसे एक सिंगल क्लिक करो, यहाँ पर स्टार्ट टू डिकम्प्रेस ये वाली ऑप्शन है, तो ये डिकम्प्रेस खुद ब खुद हो जाएगी और एक फोल्डर बन जाएगी ऊपर की ओर। आप देखोगे कि फॉन्ट्स 30, तो इस फोल्डर में आपको 30 फॉन्ट्स मिल जाएंगे। आप किस किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या प्रॉब्लम आई अपडेट के बाद, क्यों नहीं अप्लाई हो रहा था, सारा यहाँ पर बताएंगे। तो आपको 30 फॉन्ट्स मिल जाते हैं। मेरी जो फेवरेट है वो है फॉन्ट 16, तो पहले फॉन्ट 16 को यहाँ पर जो है इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे नॉर्मली इंस्टॉल करते हैं किसी भी ऐप को, उसी तरह से आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब इंस्टॉल करने के बाद ये तो खुद ब खुद आपको दिखेगी नहीं, तो आपको सेटिंग्स में जाके थोड़ा छेड़छाड़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो बताएंगे, अभी बताएंगे, और चलते हैं सीधे सेटिंग्स में। तो सीधे चलता हूँ मैं आपको सेटिंग्स में लेके। आपको यहाँ पर एक काम जो करना है, आपका जो रीजन है वो चेंज करना है, मतलब इंडिया में है तो आपको म्यांमार में जाना पड़ेगा। जी हाँ, फॉन्ट्स अप्लाई करने के लिए म्यांमार तक जाना पड़ेगा। तो नीचे आइए आप, और आपको यहाँ पर लैंग्वेज और रीजन का जो है ऑप्शन मिल जाएगा। लैंग्वेज और रीजन में आपको जाना है, वहाँ पर रीजन आपका इंडिया होगा, और उसके उसको आपको हटा के म्यांमार में चेंज करना पड़ेगा। तो म्यांमार नीचे की ओर होगा, अल्फ़ाबेटिकली नीचे की ओर थोड़ा सा जाएं और म्यांमार को सिलेक्ट करें। जैसे करेंगे आपका टाइम चेंज हो जाएगा, एक घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन डरने की बात नहीं है। आप फिर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाइए। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाने के बाद आपको यहाँ पर सपोर्ट डायल करेक्टर वाल करके एक ऑप्शन जो है आ जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है नॉर्मली आपको नहीं दिखेगी, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको नहीं दिखेगी क्योंकि ये ऑप्शन है नहीं। तो जैसे ही मैं फिर से रीजन चेंज कर दूंगा, आप देखोगे कि यहाँ पर रीजन मैंने जैसे ही इंडिया से फिर म्यांमार से इंडिया कर दिया, और फिर बैक जाते हैं या फिर डिस्प्ले में जाते हैं यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दिखती है, सपोर्ट डायल करेक्टर वाली जो ऑप्शन है वो नहीं दिखती है। तो इसे एक्टिव करने के लिए आपको रीजन चेंज करना पड़ेगा। आप दूसरे किसी कंट्री का करेंगे तो होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, खाली म्यांमार करने से ही होता है, वो मुझे चेक कर लिया है, और थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस होगा लेकिन वो खुद ब खुद चेंज भी हो जाती है। तो सपोर्ट डायल करेक्टर वाली जो ऑप्शन है उसे जैसे ऑन करोगे, यहाँ पर आपको देखोगे कि फॉन्ट चेंज हो गया है। अब ये सिस्टम वाइड पूरी तरह से जो है फॉन्ट चेंज हो जाता है, किसी भी ऐप में जाएंगे तो यही फॉन्ट देखने के लिए मिलेगा, और सेटिंग्स पैनल में भी चेंज होता है, और डिवाइस में तो होता ही है, और सारे ऐप्स में, जितना भी ऐप्स है आपके डिवाइस में, सारी जगह पर जाओगे तो फॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से फॉन्ट चेंज तो हो जाती है। अब एक जो प्रॉब्लम है, ये वीडियो बहुत दिन पहले बनाई थी, उसके बाद बहुत सारे अपडेट्स आ गए, तो अपडेट आने के बाद जो हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा डिवाइस A15 जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें अपडेटेड है, तो बहुत लोगों ने वो वाली वीडियो देखी और नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए एक सोल्यूशन ये है कि आप जो है डेट एंड टाइम में जाके यहाँ पर जो है ऑन ऑफ करें। तो जैसे आप रीजन चेंज करते हैं तो फिर उसके बाद आपको डेट एंड टाइम में जाके उसे थोड़ा सा जो है एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट कर देना है। उसके बाद आपको जो है फिर डिस्प्ले में जाना है, और वहाँ पर डिस्प्ले में जाने के बाद आपको सपोर्ट डायल करेक्टर वाली ऑप्शन दिख जाएगी। अब अगर आप अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो सपोर्ट डायल करेक्टर को बंद कर देना, आप देखोगे कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट चेंज हो जाएगी, और फिर ऐप मैनेजमेंट में जाना, और यहाँ पर CKA फॉन्ट्स करके एक ही आती है, एक साथ 30 फॉन्ट को अप्लाई नहीं कर पाओगे, एक एक करके करना पड़ता है। तो CKA फॉन्ट्स को जैसे आप अनइंस्टॉल कर दोगे तो आपके डिवाइस से फॉन्ट्स हट जाएगी, लेकिन उससे पहले सपोर्ट डायल करेक्टर को बंद कर लेना। और अगर नहीं दिख रही है ये ऑप्शन, तो जो टाइम जोन है, डेट एंड टाइम है, वहाँ पर जाके उसे ऑन ऑफ कर लेना, ऑटोमेटिक टाइम अपडेट को ऑन ऑफ कर लेना। अब देखोगे कि टाइम यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो जैसे 11:36 थी यहाँ पर 12:36 हो गई। तो जैसे आप इंडिया से म्यांमार में सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप फिर से देखो, यहाँ पर जैसे मैंने कर दी तो 11:36 हो गया, तो एक घंटे का डिफरेंस है म्यांमार के साथ। और जैसे उसे जाके आप डेट एंड टाइम में ऑटो टाइम अपडेट को ऑन ऑफ करोगे तो चेंज हो जाती है। तो इस तरह से है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट्स करके बताएं, हम आपकी पूरी यहाँ पर जो है मदद करेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।